यूपी के बदायूं में हुई गैंगरेप और हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात में पुलिसकर्मी भी शरीक पाए गए हैं। दो चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या के केस में अभी तक महज दो गिरफ्तारी की जा सकी है, जिनमें एक सिपाही शामिल है। बाकी आरोपी फरार हैं, जबकि चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि दोनों बहनें नाबालिग थीं और उनकी हत्या बलात्कार के बाद की गई थी। बदायूं में हुई गैंगरेप और हत्या की इस जघन्य वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ था जब दो चचेरी बहनों के शव एक पेड़ से लटके मिले थे। इस वारदात में कुल सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बदायूं की घटना के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में अधिकारियों को तलब किया और कानून व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही केस की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से दिल्ली में मोहल्ला सभाएं शुरू कर रहे हैं। इन मोहल्ला सभाओं को विधानसभा चुनावों की तैयारी के नजरिए से देखा जा रहा है। करावल नगर इलाके में बूथ इंचार्ज स्तर पर बैठक भी होगी। आम आदमी पार्टी की कल हुई मीटिंग में तय किया गया है कि कोई भी फैसला अब वॉलंटियर के साथ सीधे बैठक के दौरान किया जाएगा। 8 सदस्यों वाली कमेटी अब फैसले नहीं करेगी। टूजी घोटाला केस में दिल्ली हाईकोर्ट आज पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और DMK सांसद कनिमोई की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। नर्सरी एडमिशन केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के स्कूलों में अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी में दाखिले को लेकर याचिका दायर की गई है। मौसम के चढ़ते पारे के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मच गया है। चिलचिलाती गर्मी में यूपी के ज्यादातर शहरों में अघोषित रूप से घंटों बिजली की कटौती हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव की सरकार बिजली काटकर उन इलाकों के लोगों के साथ खुन्नस निकाल रही है जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई। इसके खिलाफ कल लखनऊ में बीजेपी ने यूपी पावर कॉरपोरेशन के दफ्तर का घेराव किया। इसी संकट के दौर में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार बताए कि इसका कारण क्या है। विद्युत संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी उबला हुआ है। 10 से 12 घंटे अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। गुस्से में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकारी रोस्टर के मुताबिक कटौती सिर्फ 4 घंटे की है। विद्युत कटौती के खिलाफ बीजेपी के विधायक श्याम देव राय चौधरी अनशन पर बैठ गए हैं। यहाँ भी कटौती मुक्त 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए और नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बदले की भावना से, द्वेष की भावना से ये नहीं कर रही है सरकार। ऐसा ही जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये अन्याय जारी रहेगा तब तक मेरा अनशन भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की व्यापारिक राजधानी का रुतबा रखने वाला शहर और बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी के संसदीय क्षेत्र में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली को लेकर कल यहां कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक सतीश महाना का आरोप है कि कानपुर में 14 घंटे बिजली कटौती हो रही है। यूपी के ज्यादातर शहरों में बिजली को लेकर हाहाकार है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में 22 घंटे बिजली दी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कन्नौज को 2400 घंटे बिजली देने का आदेश है, लेकिन ट्रिपिंग की वजह से 2 घंटे कटौती हो रही है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी बिजली का बुरा हाल है। यहां के लोगों का आरोप है कि यहां के गांव में सिर्फ 5 से 7 घंटे बिजली मिल रही है। मुरादाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी का आरोप है कि दुर्भावना के तहत बिजली काटी जा रही है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बिजली को लेकर बीजेपी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। अखिलेश के मुताबिक गर्मी में बिजली की किल्लत होती है और इसे दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। 2016 तक गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 से 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी।
ये सही है कि सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिजली की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, और उस रास्ते पे सरकार ने काम किया है और करने का संकल्प लिया, इसीलिए आपने देखा होगा 2 साल से लगातार काम हो रहा है। फीडर सेपरेशन का काम तहसील स्तर पे कैसे अलग अलग फीडरों वो काम चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी से झुलसने लगी है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा है। आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास होने का अनुमान है। गर्मी की वजह से कल दोपहर बिजली की मांग 4920 मेगावाट पहुंच गई। ये इस मौसम की सर्वाधिक बिजली खपत है। समूचा उत्तर भारत चिलचिलाती गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कल सबसे ज्यादा 46.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। जयपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री पहुंच गया। लुधियाना में 43.5, हिसार में 43.6, आगरा में 43.4 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आखिरकार ये असमंजस खत्म हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी लोकसभा सीट छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा और यूपी के वाराणसी से लोकसभा में विजय हासिल की थी, लेकिन कल उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ने का फैसला किया। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन और सरकार बनाने के सभी विकल्पों पर बातचीत हुई। राज्य सरकार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी 4 जुलाई को सुनवाई है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की चाहत जताई है। उद्धव का कहना है कि उनकी पार्टी चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। कहा, अगर सत्ता में आए तो पूरे महाराष्ट्र को टोल फ्री कर देंगे। धारा 370 पर उठे विवाद के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये वक्त विवाद और चर्चा का नहीं, बल्कि इस पर जल्द फैसला करने का है। अब इसके ऊपर ये चर्चा कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो भी करना है हमें करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह का कहना है कि धारा 370 का विवाद लंबे अरसे से है, लेकिन इसे सहयोगी ढंग से निपटाया जाना चाहिए, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं और शिवसेना इसमें उनकी मदद करने को तैयार है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ग्राम सड़क योजना के काम में तेजी लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। संचार और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक संचार क्षेत्र में ग्राहकों का हित सबसे ऊपर रखा गया है। विभागीय बैठक में रविशंकर ने अधिकारियों से सुझाव मांगे और ब्रॉडबैंड क्रांति की दिशा में बढ़ने को कहा। सोने की कीमत में गिरावट जारी है और आज ये 27,000 से भी नीचे चला गया। मुंबई सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोना 200 रुपए गिरकर 26,975 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। नई दिल्ली में आयोजित मालती देवी ज्ञानपीठ समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कल पुरस्कार बांटे। पंजाब के राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालयों के 15 अध्यापकों को ये पुरस्कार दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी इस दौरान मौजूद थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रुप के एक निर्माण पर पाबंदी लगा दी है। सेक्टर 134 में हो रहे निर्माण के खिलाफ एक किसान ने याचिका दी थी कि राज्य सरकार ने बिना मुआवजा दिए ही उसकी जमीन अधिग्रहण कर जेपी ग्रुप को सौंप दी। कोर्ट ने एक महीने में जेपी ग्रुप से जवाब मांगा है। उत्तरकाशी में 3 मजदूर गंगा नदी के बीच फंस गए। हैरानी की बात यह है कि ये मजदूर 3 दिनों से मझधार में फंसे थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें बाहर निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। आसपास के लोगों ने रस्सी के सहारे इन्हें खाना पानी पहुंचाया। नौसेना प्रमुख एडमिरल रॉबिन धोवन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। धोवन ने प्रधानमंत्री को नौसेना की तैयारियों की जानकारी दी, साथ ही पीएम को चुनौतियों से अवगत कराया। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को अभी जेल में ही रहना होगा। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा को लंदन और न्यूयॉर्क में 3 होटल्स में अपना हिस्सा बेचने की इजाजत दे दी है। अमरनाथ में बाबा बर्फानी यानी बर्फ से बनने वाले शिवलिंग की पहली झलक सामने आई है। 20 फीट के इस शिवलिंग को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हर्षवर्धन के साथ ही सांसद परवेश वर्मा और सांसद रमेश विधूड़ी ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सिग्नेचर ब्रिज का दौरा किया। सिग्नेचर ब्रिज में हो रही देरी और बढ़े हुए बजट के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गुजरात के स्कूलों में अब बच्चों को मोदी की जीवनी पढ़ाई जाएगी। पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री पद के सफर तक को विस्तार से बयान किया जाएगा। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए धनबाद के इंजीनियरिंग छात्र अम्मार यासर के खिलाफ एटीएस को कई सबूत मिलने की खबर है। एटीएस सूत्रों की माने तो लैपटॉप की जांच पड़ताल के दौरान कई सनसनीखेज दस्तावेज मिले हैं। इनमें पाकिस्तान से आया एक मेल भी मिलने की बात कही जा रही है, जिसमें विस्फोटक बनाने की विधि बताई गई है। इस सिलसिले में दिल्ली एटीएस की टीम ने धनबाद के कई कंप्यूटर दुकानों को खंगाला है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में कल बदमाशों ने फर्नीचर कारोबारी अनिल के घर पर धावा बोलकर लाखों की नकदी और जेवरात लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने घर में मौजूद कारोबारी की भाभी की गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आरओ चेक करने के लिए घर में घुसे युवकों ने महिला के साथ बलात्कार किया। हालांकि रेप के बाद महिला के शोर मचाने पर इकट्ठा हुए पड़ोसियों ने आरोपियों की जमकर पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर शराब तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक शराब की तस्करी के लिए गिरोह के सदस्यों ने खास जैकेट बनवाई हुई थी और उसी में बोतल छुपाकर वो पुलिस को चकमा देते थे।